दोस्तों, इस दुनिया में सूरज की रोशनी तो सभी को बराबर मिलती है, लेकिन धूप में खड़े रहने का या फिर छांव में खड़े रहने का फैसला हर किसी का अपना अपना होता है यार। पत्थर तो लोग सभी के रास्ते में फेंकते हैं, कुछ लोग उन्हें रास्ते का पत्थर बना लेते हैं और कुछ लोग अपनी मेहनत से उन्हें पत्थरों से रास्ता बना लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक दिन में सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं। कुछ लोग उन्हें 24 घंटों में दिन रात मेहनत करके अपने सपने पूरे कर लेते हैं और कुछ लोग रोते रहते हैं कि उनको कुछ करने का टाइम नहीं मिला। जो 24 घंटों में कुछ नहीं कर सका उसे अगर 26 घंटे भी दिए जाए या उसका एक दिन 28 घंटे का बना दिया जाए तो आपको क्या लगता है, वो कुछ कर लेगा और फिर भी रोएगा, वो फिर भी थोड़ा टाइम और मांगेगा। बहाने क्यों मांगते हो यार, नए नए बहाने बनाएगा और थोड़ा टाइम मांगेगा। अगर मूवी दिखने जाना है ना तो टाइम है, दोस्तों के साथ फालतू की बकवास करनी है ना तो टाइम है, टीवी दिखने और मोबाइल पर गेम्स खेलने का टाइम है, फालतू के काम करने का टाइम है। टाइम अगर नहीं है ना तो काम करने का टाइम नहीं है। दोस्तों यह सच है कि जो लोग अपने वक्त का सबसे बुरा इस्तेमाल करते हैं ना, वही उसकी कमी का सबसे पहला रोना रोते हैं। जो लोग टाइम को बर्बाद करते हैं ना, वह यह नहीं जानते कि टाइम धीरे धीरे उन्हें बर्बाद कर रहा होता है। कुछ लोग अपनी जिंदगी खुद चलाते हैं और कुछ लोग उन धक्कों से चलते हैं जो दुनिया उन्हें लगाती है। जिस तरफ धक्का मिला उसी तरफ चले गए, उनकी अपनी कोई सोच कोई मंजिल ही नहीं होती है। इसलिए दोस्तों ज्यादा टाइम न लगाओ यह तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना आपका टाइम यह तय करेगा कि आपका क्या करना है। दोस्तों ताश के 52 पत्ते भी खिलाड़ियों को बराबर बांटे जाते हैं, लेकिन जिसको खेलना आता है ना, जिसको गेम के समय यानी कि जिसको गेम की समझ होती है ना, वह अपने पत्तों के साथ 10 में से 8 बाजी मारकर गेम जीत ही जाता है। उसको यह तकलीफ नहीं होती कि पत्ते कैसे आए, उसको या पता होता है कि जो आए हैं उनके साथ खेलना कैसे है। तुम्हारे पास भी 24 घंटे हैं, उन्हीं 24 घंटों में लोग चांद पर भी पहुंच गए हैं। बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे थे, उन्हीं 24 घंटों में जैक मा बन गए हैं, स्टीव जॉब्स बन गए हैं, एलन मस्क बन गए। तो अगर वह कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो, बताओ आखिर क्या कमी है तुम में। दोस्त मैं तो यही बोलूंगा कि अपने अंदर की कमी को ढूंढो और उसे जड़ से उखाड़ फेंको। जय हिंद, वंदे मातरम।